गुरुदेव, यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसके पास ऋण नहीं वही खुश हो सकता है, क्या ऋण ही दुख का कारण है? सच है, सही है। ऋण माने परायापन। देखो, ऋण और करुणा दोनों नहीं होनी चाहिए जीवन में, जरा संभाल लेना। ऋण और करुणा दोनों खतरनाक है आत्मज्ञान के लिए। इसको कॉन्टेस्ट के बगैर कहीं कोट नहीं करना। तो करुणा किस पर दिखाओगे? मान लो तुम्हारे हाथ में कुछ हो गया, तुम अपने पर करुणा दिखा, अरे बेचारे मेरा हाथ कट गया, हाथ कट गया, हाथ कट गया, हाथ में चोट लग गई, मान लो पाँव में चोट लग गया, अपने पाँव के प्रति करुणा दिखाओगे क्या तुम? अपने पर करुणा करोगे क्या? नहीं कर सकते हो, नहीं करना चाहिए। जब अपने शरीर पर करुणा नहीं करते, दूसरों को अपना नहीं मानते हो। यदि दूसरों को तुम अपने मानते हो तो उन पर करुणा कैसे कर सकोगे तुम? जो काम करना वो काम कर लिया, खत्म। करुणा शब्द भी अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, वो एक स्तर की बात है, समझ रहे ना? इसी तरह से ऋण भी, ऋण समझते हो जब उनको पराया समझते हो। अपनों से ऋण कैसे हो सकता है? तो अपने शरीर के लिए ऋणी हो क्या? हाँ, आत्मज्ञानी ना किसी ऋण की बाधा समझेगा, ना कोई किसी से करुणा करता है, अपने में मस्त रहता, कोई पराया है ही नहीं, समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के जेब में हाथ डाला, उनका पैसा ले लिया, अरे हम और आप क्या पराया क्या है, सब एक है, मेरा जेब क्या बोलते हो, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। किसी से कर्जा लिया हो तो कल ये नहीं कहना तो गुरुदेव ने कह दिया सत्संग में, हम तो कोई ऋणी नहीं है जी, आपका क्या मेरा क्या। ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।